दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के जिस करतूत के लिए जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी को उनको वहां से भगा देना चाहिए, या चार तलख सवाल करने चाहिए, या फिर बैठा के बड़े प्यार से समझाना चाहिए, वहां पे राम भद्राचार्य जी आराम से चुस्की और मजे ले रहे हैं। बात यह है कि निरहुआ राम भद्राचार्य जी से मिलने जाते हैं, निरहुआ के साथ में आम्रपाली दुबे भी हैं। अक्सर आम्रपाली दुबे जो भोजपुरी हीरोइन है निरहुआ के साथ हमेशा ही दिखती हैं, इतनी ज़्यादा दिखती हैं कि निरहुआ कहे या ना कहे, आम्रपाली दुबे ऑन कैमरा इस बात को स्वीकार करे या ना करे, लेकिन ये देश जानता है, निरहुआ को जानने वाले लोग जानते हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री का हर एक व्यक्ति जानता है कि दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे के मधुर संबंध है, मतलब पति पत्नी वाला प्यार है। लेकिन जब राम भद्राचार्य जी से ये लोग मिलने जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। ये तुम्हारी बहन है। मतलब आप साफ देख सकते हैं कि इस वीडियो में जब राम भद्राचार्य जी पूछते हैं या फिर चुस्की लेने वाले अंदाज में कहते हैं कि क्या ये आपकी बहन है, सी इज योर सिस्टर, तो निरहुआ कहते हैं अभी बहन कहाँ रहली, ये तो हमार अर्धांगिनी बन गई। उसी बात को राम भद्राचार्य जी पुनः दोहराते हैं, निरहुआ भी पुनः वही जवाब देते हैं कि ये हमारी बहन नहीं बल्कि हमारी अर्धांगिनी है, मतलब हमारी पत्नी है। इस बात के लिए राम भद्राचार्य को निरहुआ को डांटना चाहिए था, क्योंकि हमें ऐसा नहीं लगता कि राम भद्राचार्य जी को ये बात मालूम नहीं है कि निरहुआ न सिर्फ पहले से शादीशुदा हैं बल्कि निरहुआ के 3 बच्चे भी हैं। निरहुआ की शादी मनसा देवी से हुई है, उनकी पत्नी का नाम मनसा देवी है और निरहुआ के 3 बेटे हैं जिसमें 2 बेटा और 1 बेटी है। इसके बावजूद आम्रपाली दुबे के साथ वो रहते हैं तो हम इस पे सवाल नहीं उठा रहे, निरहुआ के इस करतूत पे भी हम सवाल नहीं उठा रहे। हम इस बात को एक बार के लिए स्वीकार भी कर लेते हैं कि अक्सर ऐसा होता है, कम उम्र में जब शादी की जाती है तो एक समय के बाद हो सकता है कि आपको किसी और से इतना प्यार हो जाए कि आप समाज के सामने उस व्यक्ति को लाने में तनिक भी ना शर्माएं और समाज के सामने डंके की चोट पे कह सकें कि हम इससे मोहब्बत करते हैं, ये हमारी अर्धांगिनी है। पर हमारा सवाल जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी से कि क्या हिंदू मान्यता, क्या सनातन इस बात की इजाजत देता है कि आप ऐसा कर लें और एक धर्म गुरु इस बात पर बैठ के ठहाके लगाए, हंसी मजाक करे और साथ ही साथ वो ये भी लास्ट में बोल दे कि तब तक ये हमार पतोह बन गई ली। मतलब राम भद्राचार्य जी इस बात को सहर्ष स्वीकार करते हैं कि दिनेश लाल यादव ने जो कुछ किया है वो गलत नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को पहले से कुछ पता न होता तो इस अंदाज में वो 2-3 बार पूछते ही नहीं कि तहार बहिन है, सी इज योर सिस्टर, मतलब तू ऐसन गड़बड़ काहे कैला। राम भद्राचार्य जी का जो ये वाली लाइन है ना कि गड़बड़ हो गई का, यही लाइन इस बात का प्रमाण है कि श्री राम भद्राचार्य जी पहले से हर बातों से अवगत हैं। अगर हर बात से अवगत नहीं होते और वो अचानक ही पूछते कि तुम्हारी बहन है और सामने वाला बोलता नहीं बहन नहीं हमारी अर्धांगिनी है, तो वहीं पे बात खत्म हो जाती। मतलब राम भद्राचार्य जी को ये कहने की कतई जरूरत ही नहीं थी कि गड़बड़ हो गई का, गड़बड़ हो गई का ये कहना ही इस बात का प्रमाण है कि राम भद्राचार्य जी पहले से बखूबी जानते हैं। और राम भद्राचार्य जी जो इस बात के दावे करते हैं कि उन्होंने प्रभु श्री राम का दर्शन किया है, राम भद्राचार्य जी जो अनेक दावे करते हैं, मैं उनके दावे और क्षमता पर सवाल नहीं उठा रहा, मैं सवाल उठा रहा इस बात पर कि क्या आपके पास पैसा और पावर है तो आपके द्वारा की गई हर गलतियां स्वीकार है।
और स्वीकार अगर समाज कर लेता है तो कोई बात नहीं। क्या एक सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करने वाला इतना बड़ा व्यक्ति इस बात को सहर्ष स्वीकार कर सकता है, इस बात पे वो हंस सकता है, मजाक कर सकता है, या फिर तल्ख उससे सवाल कर सकता है, क्या कर सकता है? आपको भी ये सवाल पूछना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि ये हमारे धर्म से ताल्लुक रखते हैं, ये हमारे धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो हम इस बात को छुपा दें या उस बात पर सवाल ना करें। सवाल ना करना गलती स्वीकार करना है, गलती का सपोर्ट करना है। मौन अगर आप धारण कर लेते हैं इसका मतलब कि वो गलती आपको सहर्ष स्वीकार है। तो सवाल हमारा निरहुआ से है ही नहीं, हमारा सवाल जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी से है, जिनका जवाब वो दे नहीं पाएंगे। ताकि आप क्या सोचते हैं जरूर बताइए।